सलाम वालेकुम वीवर्स, वीवर्स मैं हूँ कराची ब्लॉगर से काशिफ अंसारी। तो भाई इस वक्त आ गया हूँ कराची कार संडे बाजार, वीडियो बना रहा हूँ। तो वीवर्स गाड़ियाँ मैंने ढूंढ ली है, वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो आइए वीवर्स वीडियो शुरू करते हैं। वीवर्स कोरे 2008 भाई बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं जी के कलर बहुत ही प्यारी कंडीशन है, शाइन में गाड़ी आपको मिल रही है। सामान गाड़ी का अपना पूरा है। तो भाई ये देख सकते हैं विंड स्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली, लुक टाइट है। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बम्पर वम्पर की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। तो भाई बम्पर हमारा कोई ब्रेकेज नहीं है, ये देख सकते हैं हल्की सी मामूली सी स्क्रैचेस है। तो भाई जाते जाते जो मॉडल है उस हिसाब किताब से तो गाड़ी बहुत फिट फाट रखी हुई है भाई ने। तो ये देख सकते हैं फेंडर वेंडर, जहाँ तक लकीरें वकीरें नजर आ रही हैं वो सब देख सकते हैं, डोरियाँ वोरियाँ सब दिखाऊंगा। तो भाई फेंडर की कंडीशन हमारी अच्छी है। टायर की बात कर लेते हैं, टायर का लुक अच्छा है भाई, देख सकते हैं तकरीबन 90% हमारा टायर है अच्छा जी। व्हील कैप पे गाड़ी है। फुट बैरी की बात कर लेते हैं, फुट बैरी भी कम से कम हमारी अच्छी कंडीशन है। तो डोर पे आ जाते हैं, डोर वो दिखाते हैं, पिलर दिखाते हैं। तो भाई पिलर की कंडीशन भी हमारी ओके, रूफ वूफ की कंडीशन भी ओके। तो भाई इस चलते हैं देखते हैं डोर की कंडीशन ओके, बैक डोर उसका लुक भी अच्छा है भाई हमारा। फेंडर की बात कर लेते हैं तो फेंडर का लुक भी हमारा अच्छा है, कंडीशन अच्छी है। टायर जैसे कि मैंने आपको बताया तकरीबन 90% हमारे अच्छा जी। बैक बम्पर तो उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं है, देख ही सकते हैं अच्छी अच्छे लुक में गाड़ी है, साफ़ सुथरी शाइन में गाड़ी आपको मिल रही है। तो भाई अगर बात करें हम लाइटें पूरी, इंडिकेटर पूरे और जनाब मिरर पूरे, तो लुक वाइज गाड़ी हमारी बड़ी अच्छी कंडीशन है। बैक लुक ये दे रही है जी। रूफ़ दिखा देते हैं, रूफ़ भी हमारी शाइनी है, देख सकते हैं रूफ़ का शाइन। देखें माशाल्लाह पूरी गाड़ी शाइन में हमारी, ये देखे थे लाइटें वाइटें पूरी अच्छा। टायर जैसे कि मैंने आपको दिखा दिए। फेंडर का लुक इस साइड का भी देख लेते हैं, कोई डेंट नहीं है, डेंट अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया है भाई। बैक डोर की बात कर लेते हैं, बैक डोर भी हमारा बड़ा क्लियर है, ये देख सकते हैं। फ्रंट डोर अच्छा जी, ये देख सकते हैं फुट बैरी की कंडीशन, फुट बैरी की कंडीशन भी अच्छी है। डोर वोर आपको दिखा रहा हूँ अच्छा जी। पिलर देख लें, पिलर विलर का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है। फेंडर तो अभी तक मुझे कोई डेंट वेंट नज़र नहीं आया है, लुक वाइज गाड़ी हमारी बड़ी प्यारी है। चलिए जी अंदर से देखते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं डोर वोर का लुक, तो डोर वोर का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है भाई, अच्छी कंडीशन है। दरवाज़ों के पर्दे वगैरह सब ओरिजिनल है हमारे। अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील का लुक भी हमारा टाइट है, कंडीशन प्यारी गाड़ी की। आ जाए जी डैशबोर्ड का लुक ले लें, तो डैशबोर्ड का लुक भी अच्छा है, पैनल वैनल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। जो रीडिंग नजर आ रही है वही बताऊं भाई, 09802-4। तो भाई ये रीडिंग हमारी है अच्छा। अगर हम सीटों की बात करें तो भाई हर चीज़ हमारी जेन्युइन है। सीटें का लुक देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में सीट्स हमारी अच्छा। अब हम आपको दिखाएं पिलर का लुक, तो भाई पिलर विलर का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है, देख सकते हैं आप। ये डोरियाँ वोरियाँ जैसे कि दिखा रहा हूँ वो लुक भी देख लें। दरवाज़ों के पर्दों की बात करें तो भाई ओरिजिनल पर्दे, पिलर का लुक देख सकते हैं अच्छा। छत की बात कर लेते हैं भाई, छत वत भी हमारी बड़ी अच्छी कंडीशन में, देख सकते हैं छत का लुक अच्छा अच्छा पिछला दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो भाई पिछला डोर खुल गया, यहाँ का मामला भी बड़ा प्यारा है, कोई जंगमंग नज़र नहीं आ रहा, कोई वेल्ड का निशान नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने बताया डेंट भी फिलहाल गाड़ी पर कोई नहीं है भाई, अच्छे लुक में गाड़ी है। तो ये देख सकते हैं झड़पे वगैरह गोले ये सब आपको दिखा रहा हूँ। सीट की बात कर लेते हैं, सीट का लुक माशाल्लाह अच्छी सीट्स हैं, मैटिंग हुई हुई है गाड़ी में, देख सकते हैं डोर वगैरह की कंडीशन, दरवाज़ों के पर्दे सब दिखा रहा हूँ। चले जी इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई इंजन देखेंगे दिल खुश होगा आप पे, देख सकते हैं माउंटेन वगैरह का लुक। तो भाई माउंटेन वगैरह भी बड़ी प्यारी कंडीशन में, कोई वेल्ड वेल्ड का निशान नहीं है, देख सकते हैं डोरियाँ वोरियाँ देखें अच्छी कंडीशन है जी। बात कर लेते हैं गाटरी की, तो भाई गाटरी वाटरी का लुक भी अच्छा है अच्छा। ये देख सकते हैं भाई टिकली विकली लगी हुई है, नंबर आपके सामने, अच्छी कंडीशन अच्छा। इस साइड की माउंटेन भी देख सकते हैं भाई, माउंटेन का लुक वो भी बड़ा प्यारा है अच्छा। जहाँ तक चेसिस नज़र आ रहा है वो भी देख लें, क्लियर है मामला भाई, कोई एक्सीडेंटल केस गाड़ी नहीं अच्छा जी। ये डोरिया वोरिया देखें, फ्रंट पट्टी का लुक, तो फ्रंट पट्टी का लुक भी हमारा अच्छा है, ओरिजिनल लुक में गाड़ी, जाली वाली सब दिखा रहा हूँ अच्छा। अगर हम बात करते हैं भाई बोनट की, तो बोनट का लुक भी हमारा बड़ा प्यारा है। तो मिलवाते हैं इसी बात को आपको भाई से, अकबर भाई हमारे साथ हैं, अकबर भाई से बात करते हैं। सलाम वालेकुम अकबर भाई, मॉडल क्या है, डिमांड क्या है। ये मॉडल 8 का है और 9 लाख रुपए से, 9 लाख रुपए डिमांड है। गाड़ी की कंडीशन हमारा, कलर क्या कह रहा है, ओरिजिनल है, रिपेट है, ओरिजिनल कलर में, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल जी। सही है भाई, जबरदस्त हो गया अच्छा। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल एवरेज की, तो सेट है इसका 18 एवरेज है, 17 एसी वेसी वर्किंग में जी जी, एसी वर्किंग में ठीक है भाई। कागजात की बात कर लें, कागजात क्लियर है, रिटर्न फाइल है, टैक्स वैक्स क्लियर, रिटर्न फाइल है ठीक है मेरे भाई। भाई डिमांड हमने इसकी कितनी की है, 9 लाख। तो हमारी वजह के लिए इसमें क्या डिस्काउंट कर देंगे आप, 10,000 कुछ और, 10,000 रुपये का डिस्काउंट करते हैं, कुछ और हो रहा है थोड़ा नहीं सर, इसमें कुछ जाए फाइनल फाइनल 10,000 रुपये का डिस्काउंट ठीक है भाई। भाई लोकेशन बता दिए, अपना नंबर शेयर कर दिए, हमारे तारिक रोड पे ठीक है भाई, अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिए, 03452331812 ठीक है भाई।
95 कंडीशन वाइज गाड़ी भाई मुनासिब लग रही है मुझे, अच्छी कंडीशन है, दिखा देते हैं आपको रेट से इंशाल्लाह अच्छे कराऊंगा। तो भाई देख सकते हैं रूफ, विंडस्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट। अच्छा जी, इन्होंने भाई बोनेट पे लगाया हुआ पेपर, अच्छी कंडीशन है, करीब से भी दिखा दूँ। तो भाई ये लुक है, देख सकते हैं पेपर लगा हुआ है गाड़ी पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो लुक टाइट है गाड़ी का। लाइटें वाइटें की कंडीशन भी आपको दिखा रहे हैं भाई, लाइटें फिलहाल ऑन भी हैं। तो भाई फ्रंट हो गया हमारा रूफ, विंडस्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली। अच्छा तो भाई बम्पर वम्पर का लुक हमारा बड़ा प्यारा है, कोई ब्रेकेज नहीं है बम्पर में। अच्छा फेंडर की बात कर लेते हैं तो फेंडर का लुक भी अच्छी कंडीशन में, सिर्फ ये दरवाजे ने खुलने में कभी गड़बड़ की होगी। तो भाई ये थोड़ा सा एक स्क्रैच आया हुआ है। लुक वाइज गाड़ी हमारी बड़ी मुनासिब है। अगर हम बात करते हैं एलॉय रिम की तो एलॉय रिम भी अच्छी कंडीशन का है, हल्के वेट में एलॉय रिम है भाई। अगर टायर की बात करें तो टायर हमारे तकरीबन 90-95% टायर है, लुक अच्छा है। अच्छा फुट बैरी का लुक देख सकते हैं, फुट बैरी का लुक भी अच्छा है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं पिलर और छत की, तो भाई लुक वाइज हमारा पिलर भी अच्छा है और छत की कंडीशन भी अच्छा है, करीब से भी दिखाऊंगा। पूरा फ्रंट डोर की कंडीशन हमने आपको दिखा दी, बैक डोर की कंडीशन देखते हुए चलते हैं भाई। बैक डोर भी हमारी अच्छी कंडीशन में, कोई डेंट नहीं जा रहा, फेंडर वेंडर का लुक हमारा टाइट है, ये देख सकते हैं भाई फेंडर वेंडर का लुक टाइट है। साउंड वाउंड भाई ने बनाया, वो भी बात कर लेंगे भाई। देखिए साइलेंसर वगैरह आपको नज़र ही आ रहा होगा, लुक अच्छा है गाड़ी का। अच्छा जी बैक बम्पर तो कंडीशन अच्छी, लाइट शाइट है देख सकते हैं, ऑन की हुई है भाई ने। तो भाई हो गया हमारा बैक स्क्रीन का मामला, तो बैक स्क्रीन भी हमारा कंप्लीट है, कोई ब्रेकेज नहीं है। छत की बात कर लेते हैं भाई, छत वत का लुक मुनासिब है, थोड़ी सी डस्ट आ गई है। अच्छा फेंडर, तो भाई फेंडर का लुक टाइट भी दे सकते हैं, फेंडर का लुक टाइट है, साइलेंसर वगैरह दिखा रहा हूँ। अच्छा जी ये देख सकते हैं भाई टायर का लुक, साउंड सुना रहे भाई थोड़ा साउंड, साउंड वाउंड हमने आपको चेक करा दिया गाड़ी का। अगर रूफ़ की बात करें तो रूफ वूफ का लुक भी हमारा अच्छा है, डोर की कंडीशन तो डोर की कंडीशन टाइट है। अच्छा जी ये देखिए फुट बैरी वगैरह का लुक अच्छा है, डोर मैंने दिखा दिया, फ्रंट डोर भी दिखा दूँ, फ्रंट डोर भी हमारा लुक से टाइट है, कोई डेंट वेंट नहीं है। अच्छा जी फेंडर भी तकरीबन हमारे डेंट से पाक है। एलॉय रिम जैसे कि मैंने दिखाया, टायर की कंडीशन भी हमारी अच्छी, पिलर विलर की कंडीशन मुनासिब, तो अंदर से गाड़ी दिखाते हैं। तो भाई दरवाज़ा खुल चुका है, देखें लुक अच्छा है कहीं कोई, यानी कि ऐसा नहीं है मामला कि वेल्ड वेल्ड हुआ हुआ हो या रस्टेड हो मामला, तो बड़ी प्यारी कंडीशन है, मुनासिब कंडीशन। ये देख लो भाई पिलर विलर का लुक भी अच्छा है भाई, तो सर्विस वर्विस होगी ना तो कंडीशन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि सर्विस हो जाए, गाड़ी सर्विस इंशाल्लाह हो जाएगी तो लुक ही बड़ा प्यारा हो जाएगा। तो भाई स्टीयरिंग व्हील का लुक देखें, हमारे स्टीयरिंग व्हील भी हमारा बड़ा अच्छे लुक में। अच्छा बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड भी माशाल्लाह प्यारा है, अच्छा यानी कि अच्छी कंडीशन है, सिर्फ जैसे कि भाई ने बोला कि सर्विस हो जाए गाड़ी का लुक तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। रीडिंग जो नज़र आ रही है वही बताया तो भाई 03901-5, तो ये रीडिंग मुझे तकरीबन नज़र आ रही है दरवाज़ों के ऊपर, तो यहाँ से देख सकते हैं। पिलर विलर का लुक तो हमारा अच्छा है, रूफ़ की कंडीशन दिखाएं भाई, रूफ़ देख सकते हैं, रूफ़ का लुक भी हमारा अच्छा है। भाई ने गाड़ी जो है अपने हिसाब के हिसाब से तैयार की है, सीटें देख सकते हैं, सीटें भी स्मार्ट हैं इसकी, स्मार्ट सीट्स हैं। अच्छा तो भाई डोर वोर का लुक देखें माशाल्लाह, ये डोर भी हमारा अच्छा है, कहीं से रसीड नहीं है मामला, अच्छी कंडीशन चलते हैं जी। पहले आपको दिखाएं झड़पें, तो झड़पों वगैरह का लुक देख सकते हैं आप जनाब, ये गोले की कंडीशन तो वो भी हमारी बड़ी प्यारी है। सीट पर आ जाते हैं भाई, सीट जैसे कि मैंने बताया स्मार्ट सीट्स हैं भाई। ये देखें मैटिंग बेड भी जो डले हुए हैं क्वालिटी के डले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप भाई, करीब से भी देख लें मैट की कंडीशन भी अच्छी है। स्पीकर सब लगे हुए गाड़ी में, एम भी है, हाँ जी देखें एम नज़र भी आ रहा है, फोर चैनल है मेरे भाई, लाइट्स हैं, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह अभी देते हैं। अच्छा तो भाई ये देख सकते हैं आप डोरियों की कंडीशन, तो ये भी अच्छी है, इंजन अच्छी कंडीशन है भाई, माउंटेन वगैरह देखते हुए चलें। ये देखें भाई बाहर से शावर अंदर से ओरिजिनल, तो बाकी आप ये देख सकते हैं, ठीक है भाई ओरिजिनल इंजन D15, ये देखें भाई 16 वॉल। अच्छा ये लोग हो गया गाड़ी की कंडीशन देखते हैं, तो भाई नंबर सब हमारा बहुत प्यारी कंडीशन में, ये देख सकते हैं आप। इस साइड की माउंटेन की बात करें तो भाई वो भी बड़ी जानदार माउंटेन है हमारी, रस्टेड मामला नहीं है कहीं से, ये देख सकते हैं। अच्छा जहाँ तक चेसिस नज़र आ रहा है वो भी देख लें भाई, रेडिएटर भी अच्छी कंडीशन में इसका डाला भाई, ये देख लें रेडिएटर वगैरह का लुक। फ्रंट पट्टी की बात करें तो भाई ये देख सकते हैं टिकली विकली लगी हुई अच्छे लुक में है। हाँ जी इंजन देख लेते हैं, इंजन का लुक भाई, इंजन विंजन का लुक बड़ा प्यारा है हमारा, ये देखें। अच्छा बोनेट हो गया भाई, मिलवाते हैं हम आपको भाइयों से। तो व्यूअर्स गाड़ी को ना शाहरुख भाई हमारे साथ हैं, अरजम भाई हमारे साथ हैं, तो भाई बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम भाई, आप तो करीब आ गए भाई। अच्छा तो भाई ये बताइए गाड़ी का मॉडल क्या है, डिमांड क्या है भाई? इसका मॉडल 1995 है, डिमांड इसकी 620 है, ठीक है जी। और बाकी गाड़ी में कलर हमारा क्या कह रहे हैं? इसका डार्क ग्रीन है और
जी शॉवर्ड है। आपने ये बुलेट पे लगाया हुआ स्टिकर, ये रैप हुआ है, रैप हुआ है, बताते रहो। अच्छा तो फीचर्स, फीचर्स बताते गाड़ी के क्या क्या फीचर्स। एम वगैरह लगा हुआ है और साउंड पैनल है, साउंड एग्जॉस्ट है इसका पैनल है। इसके अंदर जो नहीं अपना साउंड पैनल लगा हुआ है और एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसके वूफर जो लगा हुआ है और इसके अलावा एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। बाकी सीट्स जो है वो रिसेंटली चेंज करवाई थी, लेदर की स्मार्ट सीट्स लगी हुई है और साथ में अलॉय रिम्स हैं इसके अपने। और इंजन इसका आपको बता दिया मैंने कंडीशन, इंजन की D15 ओरिजिनल लगा हुआ है, D15 ओरिजिनल लगा हुआ है और हेड में काम था काफ़ी पहले ही हुआ था। बाकी एवरेज इसकी जो दे रहे माइलेज दे रहा है वो 12 दे रही है इन सिटी, हाँ 12 इन सिटी दे रही है और हाईवे पे 13-14 दे जाती है, ठीक है। बाकी एसी वर्किंग में इसका एसी की गैस जो नहीं है वो अगर डलवाएंगे तो बेस्ट ऑफ चिल के लिए। हाँ जी, प्लेट मुझे नजर नहीं आ रही है, नंबर प्लेट पीछे लगी हुई पड़ी हुई, ओरिजिनल दोनों नंबर प्लेट्स पड़ी हुई है, फाइल के साथ मिलेगी। टैक्स, टैक्स बता देता हूँ मैं आपको, टैक्स जो है ना इसका वो 2012 से पेड नहीं है, वो टैक्स है 22,890, ठीक है। अगर आप, मैं आपको डिमांड भी बताता हूँ, अगर आप टैक्स के साथ लेंगे ना मुझसे गाड़ी, मतलब तो मेरी डिमांड है 6,620 डिमांड है वैसे मेरी, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं टैक्स पे करके दो तब ये 6,620 डिमांड है, अगर आप टैक्स खुद पे करेंगे तो मेरी लास्ट एंड फाइनल जो डिमांड है वो है 590 हो जाएगी। नहीं सर, ये मेरी लास्ट एंड फाइनल डिस्काउंट है, क्योंकि हाँ क्योंकि इसके अंदर 1,00,000 की एसेसरीज हैं खाली, क्योंकि एम जो लगा हुआ है वो भी अच्छा एम लगा हुआ है, 4500 वाट का लगा हुआ है, टू चैनल वूफर भी लगा हुआ है और अपना वूफर एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, ठीक है सर। बाकी आप टायर्स की कंडीशन देख सकते हैं, टायर्स बिल्कुल न्यू है इसके, अलॉय रिम्स न्यू है, शाइनी, ठीक है सर। मोबाइल नंबर बता दिया, लोकेशन बता दें जी, मैं आपको लोकेशन है ये नियर एयरपोर्ट वायरलेस गेट, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0334-3961-774। अच्छा तो व्यूअर्स, कोरे 2002 में कंडीशन इसकी गाड़ी की मुनासिब है भाई, सिल्वर कलर में, बाहर से शावर डेंसर से ओरिजिनल रूफ, विंडस्क्रीन, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट जाली, तो लुक टाइट है गाड़ी का, देख लेते हैं भाई। बम्पर वम्पर का लुक भी अच्छा है, कोई ब्रेकेज नहीं है, अच्छी कंडीशन में, मुनासिब कंडीशन में गाड़ी आपको मिल रही है। कोशिश करूँगा रेट अच्छे कराऊँ तो भाई ये देख लें, फेंडर वेंडर का लुक हो गया हमारा अच्छा, एलॉय रिम पे गाड़ी है, एलॉय रिम भी अच्छी कंडीशन में, टायर का लुक अच्छा है, तकरीबन 80-85% टायर है हमारा। अच्छा जी बात कर लेते हैं पिलर और छत की, तो कंडीशन आपके सामने अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है। अच्छा जी देख लेते हैं डोर का लुक, तो भाई डोर वोर का लुक भी अच्छा है, डेंट कोई नहीं है, फुट बैरी है तो भाई वो भी अच्छा, अच्छी कंडीशन है, रस्टेड नहीं है मामला, गला सड़ा नहीं है, अच्छा लुक है। बैक डोर तक आपको दिखा रहा हूँ तो भाई लुक अच्छा है। चलें जी फेंडर चेक कर लेते हैं, फेंडर क्या कह रहा है गाड़ी का, तो भाई फेंडर की कंडीशन भी हमारी बड़ी प्यारी है, देख सकते हैं अच्छा एलॉय रिम अच्छी कंडीशन में, टायर का लुक अच्छा है, तकरीबन 80 पिछले टायर तो भाई 85% है तकरीबन। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई इसके बैक बम्पर की लाइट होगी, तो ये भी कंडीशन अच्छी है, कोई ब्रेकेज नहीं है, अच्छा कहीं कोई मुझे मामला वेल्ड वेल्ड का नज़र नहीं आ रहा, तो भाई रूफ विंड स्क्रीन बोनट बम्पर तो मैंने आपको दिखाई दिए, बैक स्क्रीन हो गया, बैक बम्पर हो गया, लाइट वाइट है। अच्छा जी आ जाएँ छत की बात कर लेते हैं, छत वत का लुक भी हमारा मुनासिब है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर काम हुआ हुआ है तो वो देख सकते हैं, ये कंडीशन है भाई, ये बारिशों की वजह से थोड़ा सा मामला इसमें हुआ है गाड़ी का। अच्छा फेंडर वेंडर हमारा अच्छी कंडीशन में है, तो भाई ये देखें फुट बैरी वगैरह का लुक भी हमारा अच्छा है। अच्छा पिछला दरवाज़ा फेंडर ये लुक आपको दिखा रहा हूँ, छत मैंने आपको दिखा दी, पिलर विलर का मामला भी हमारा मुनासिब है, डोर वोर में कहीं कोई जंग वंग नज़र नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं डोर का लुक तो भाई अच्छी कंडीशन है। फेंडर की बात कर ले, फेंडर की कंडीशन भी हमारी अच्छी है, कोई डेंट नहीं है, ये देख सकते हैं अच्छा एलॉय रिम वगैरह, टायर का लुक आपके सामने। चलें अंदर से देख लेते हैं, अंदर से गाड़ी क्या कह रही है, पिलर विलर बाहर से दिखा दिया मैंने, तो दरवाज़ों के पर्दे भाई ओरिजिनल कंडीशन मुनासिब कंडीशन में है, ये देख सकते हैं पिलर विलर का लुक अच्छा है भाई। अच्छा जी ये हो गया हमारा पिलर का लुक, स्टीयरिंग व्हील का लुक, स्टीयरिंग व्हील का लुक भी टाइट है। अच्छा जी आ जाएँ 102303, तो भाई ये हमारी रीडिंग है। एसी वेसी ऑन है भाई इसका? अच्छा एसी ऑन नहीं है भाई, सीटों पे कवर चढ़ा हुआ है, सीटों पे कवर चढ़ा हुआ भाई, ये देख सकते हैं अच्छा मैटिंग हुई भी है, ठीक है। ये भाई पिलर विलर दिखा दिया हमने, रूफ़ की बात कर लेते हैं, रूफ वूफ की कंडीशन भी मुनासिब है हमारी, पिछला डोर खोल लेते हैं चेक करते हैं, तो ये देखिए भाई दरवाज़ों वगैरह का लुक दे भी मुनासिब है, पर्दे वर्दे ओरिजिनल कंडीशन। अच्छा सीट दिखा रहा हूँ आपको, सीट वीट पे भाई कवर चढ़ा हुआ हमारा, मैटिंग हुई हुई है, मैटिंग देख सकते हैं आप। अच्छा ये लुक है, चलें भाई ने खोल लिया डिग्गी, तो भाई वहाँ से भी चेक कर लेते हैं गाड़ी को, ये देखिए भाई स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा ये आप देख लें भाई, लुक मुनासिब है गाड़ी का, कोई रस्टेड नहीं है मामला, कंडीशन वाइज गाड़ी मुनासिब है भाई, जो जो इश्यूज थे वो मैंने आपको दिखा दिए, बाकी कंडीशन बहुत प्यारी है। देखें भाई डोर वोर का लुक भी अच्छा है, बैक डोर का कोई जंग नहीं है। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, तो भाई ये देखते हैं माउंटेन वगैरह का लुक हमारा, हम आपको दिखा रहे हैं तो लुक माउंटेन वगैरह की भी ओरिजिनल कंडीशन। अच्छा जी ये देख सकते हैं, अच्छा दूरियाँ मैंने दिखाई, फ्रंट पट्टी दिखाता हूँ, फ्रंट पट्टी का लुक भी हमारा अच्छा है, ये देखें भाई
अच्छा माउंटेन वगैरह का लुक भी हमारा अच्छा है। ये हो गया भाई हमारे इंजन की कंडीशन। तो गाड़ी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस, बैटरी भी उसकी मुनासिब कंडीशन में। ये बैटरी देख सकते हैं, बैटरी भाई बता रहे हैं न्यू है। अच्छा ये देखिए भाई बोनट वोनेट की कंडीशन, ये मिलवा देता हूँ आपको भाई से। तो भाई रियाज भाई गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं, रियाज भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? वालेकुम सर, गाड़ी का मॉडल बता दिए। सर 2002 मॉडल है गाड़ी, और एक गाड़ी हमारी है, मेरे नाम पर है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, और कोई गाड़ी में काम नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का काम नहीं है, शीशे का कोई काम नहीं है, और हमारे पास काफ़ी अरसे से गाड़ी है सर। और हमारी सर दूसरा ओनर है, सेकंड ओनर है, पेट्रोल पे गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल। तो भाई की डिमांड हम क्या कर रहे हैं? ये 4,80,000 रुपये। 4,80,000 बाहर से शावर, अंदर से? बाहर से शावर, अंदर से ओरिजिनल सर। ठीक है भाई, तो भाई क्या गुंजाइश कर देंगे सर? ये 15,000 की गुंजाइश होगी। 15,000 रुपये की गुंजाइश, थोड़ी बहुत और कर दे कुछ? हाँ देखिए सर, लच की मेरी जरूरत है, मैं तब बेच रहा हूँ सर। हो जाएगी गुंजाइश? हो जाएगी, हो जाएगी। मैं समझ लें 20,000 सर, 20 तक बस कर। तो मेरे भाई अब ये बताइए कि लोकेशन हमारी कहाँ पर है? सर ये आगरा ताज की लोकेशन है हमारी। आगरा ताज की लोकेशन है। टैक्सेस वैक्सेस? टैक्स के लिए मेरे नाम पर गाड़ी ट्रांसफर हुई पड़ी है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। स्मार्ट कार्ड बताया जी सर। अच्छा तो अपना नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ नंबर मेरा 0301-25-38-418 सर। थैंक यू सर।